नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। आप सभी जितने भी यूपी टीईटी अभ्यर्थी हैं, आपके लिए वीडियो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। इस वीडियो में आप सभी के साथ रीसेंट की ही एक खबर। दरअसल खबर क्या है कि कब तक यूपी टेट का आवेदन स्टार्ट होगा, यानी कि यूपी टेट नोटिफिकेशन 2023 कब तक रिलीज किया जाएगा, और इस बार यूपी टेट में क्या कुछ बड़े बदलाव हो सकते हैं, क्या इस बार आप सभी का जो यूपी टेट है वो ऑनलाइन मोड में कंडक्ट हो सकता है या फिर इस बार भी यूपी टेट ऑफलाइन मोड में कंडक्ट होगा, ये सब कुछ आपके साथ आगे वीडियो में प्रॉपर तरीके से कवर करेंगे। तो आप सभी इस वीडियो को पूरा देखें, और अगर अभी तक आप में से किसी भी साथी ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही रियल और ऑथेंटिक अपडेट आगे पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें। अब चलते हैं अपडेट पर। अब साथियों, सबसे पहला सवाल आपका ये है कि आखिर यूपी टेट का नोटिफिकेशन आने में इतना डिले क्यों हुआ। तो आप साथियों, दरअसल आपके लिए मेन खबर ये है, हालांकि सूचनाएं इससे पहले भी मेरे द्वारा दी गई हैं, लेकिन दोबारा से रिमाइंडर के तौर पर कि इस बार आप सभी का जो विभाग है, यानी कि नए विभाग के द्वारा, नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के द्वारा अब यूपी टेट जैसी जो परीक्षाएं हैं वो कराई जाएंगी, चाहे वो भर्ती को लेकर हो, यूपी टेट को लेकर हो, टीजीटी पीजीटी को लेकर हो, या फिर इस प्रकार से जो कुछ भी परीक्षाएं हैं, जो कुछ भी आयोजन होना है वो एक ही विभाग कराएगा। हालांकि इस विभाग का अभी तक गठन नहीं हो पाया था, जिस कारण से डिले देखने को मिल रहा था, लेकिन हाल ही के अंदर कैबिनेट बैठक भी हुई और उसके पहले की बैठक में इसके गठन को लेकर प्रक्रियाएं शुरू की गई, यानी कि यहां पर माननीय योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा इस पर मुहर भी लगाई गई, जिससे कि उनके द्वारा कहा यह गया कि सबसे पहला कार्य इस आयोग का यही होगा कि यूपी टेट का नोटिफिकेशन जारी करे। लेकिन अभी भी यहां पर यूपी टेट के नोटिफिकेशन में कम से कम 2 महीने लगेंगे, क्योंकि आयोग का गठन होना है, आयोग में यहां पर जो भी समिति, यानी कि समिति के सदस्य हैं, उनका भी गठन होगा, उसके लिए यहां पर कुछ यानी कि प्रक्रियाएं करनी पड़ेंगी, जिसके लिए हो सकता है अभी 1.5 से 2 महीने का समय लगे, और इतना समय संभावित भी है कि इतना समय लगेगा तब जाकर यूपी टेट का नोटिफिकेशन आएगा। और यूपी टेट के नोटिफिकेशन के बाद आपको सुपर टेट भी देखने को मिलेगा, ये भी सरकार के द्वारा कहा गया। अब इसके बाद दूसरा प्रश्न ये है कि क्या इस बार यूपी टेट ऑनलाइन मोड में होगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, यूपी टेट इसके पहले भी ऑफलाइन मोड में था, इस बार भी ऑफलाइन मोड में ही होगा। 99.99% आप माने और ऑफलाइन मोड में ही यूपी टेट आपका होने वाला है। आप सभी निश्चिंत रहें, 1 से 2 महीने तक वेट करें, जून लास्ट तक आप सभी को यूपी टेट नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा, आशाएं यही है। फिलहाल इस पर आपकी क्या राय है कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। जय हिंद, नमस्कार।